हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कैरी कनेक्ट सर्विसेज। सो गाइस, इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ यार। जिन लोगों ने भी गलतियां की हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्यूरिंग जेई की एप्लीकेशन फॉर्म आप जब फिल कर रहे थे, आपने अपना कैटेगरी रैंक वहां पर फिल नहीं किया, तो क्या आप इसका एडवांटेज ले सकते हो, है ना? कैटेगरी रैंक का क्या आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया? मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, ये वीडियो स्पेसिफिकली तीन काउंसलिंग को कवर करेगा, ठीक है? अगर आप UPSEE जो पहले था, UPSET की काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी UPSET हो गया है, या फिर आप MMUT की काउंसलिंग कर रहे हैं, या फिर आप HBTU की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो क्या ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना कैटेगरी फिल नहीं किया, फॉर एग्जांपल कई बच्चे जिन जो जनरल EWS से बिलोंग करते हैं, उस समय उनके पास जनरल EWS का सर्टिफिकेट नहीं था, राइट? तो उन्होंने अपना बस जनरल सेलेक्ट कर लिया। या ऐसे बच्चे जो OBC से बिलोंग करते हैं, उस समय उनके पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है ना? तो उन समय OBC का सर्टिफिकेट ना होने के कारण उन्होंने क्या किया, OBC सेलेक्ट कर लिया। अब हुआ क्या, उन्होंने ओबीसी सेलेक्ट कर ओबीसी छोड़ के जनरल सेलेक्ट कर लिया। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो बच्चे बस जनरल रैंक पे काउंट हो रहे हैं, होम स्टेट कोटा का उनको एडवांटेज समझ लीजिए कि अगर जितना ओबीसी रैंक पे मिलना था उतना नहीं मिल पा रहा है। तो ये गाइस मोस्टली प्रॉब्लम आई है बहुत बच्चों की, लैक ऑफ गाइडेंस, या फिर आप कह सकते हैं जो साइबर कैफे में बच्चे चले आते हैं या उनसे फॉर्म भरवा लेते हैं, उनको पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता। देखिए, काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बहुत केयर करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं बता रहा हूँ कि आप इसको चेंज कैसे कर सकते हो, ठीक है? अगर आप चाहो तो अपनी कैटेगरी को यहाँ चेंज कर सकते हो। कैटेगरी ही नहीं, आप अपनी सब कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। क्या होता है भैया सब कैटेगरी? सब कैटेगरी होती है आपके आर्म फोर्सेस का कोटा। अगर आपके फादर आर्म फैमिली में से कोई आर्मी में है, किसी CISF में किसी भी पोस्ट पे है, तो वहाँ पे आपको आर्म फोर्सेस का कोटा मिलता है, उसको आप ले सकते हो, ठीक है ना? फ्रीडम फाइटर का कोटा आप ले सकते हो, ठीक है, सब कैटेगरी लगा के। और अदर कोटाज भी होते हैं, इसमें हैंडीकैप्ड का कोटा है, बहुत सारे कोटाज लगते हैं। कैटेगरी की बात कर लूँ मैं तो, अगर आप जनरल EWS हो, ठीक है ना, या फिर आप हो OBC, या फिर हो आप SC ST, तो यहाँ पे कैटेगरी चेंज हो सकती है। कैसे कैटेगरी चेंज कर सकती है? आप जब रजिस्ट्रेशन सिंपली कर रहे होगे, रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे, तो वहाँ पे आपसे वो पूछेंगे कि आप जनरल में हो, ठीक है, OBC में हो, SC में हो, ST में हो, या जनरल EWS में हो, सब कुछ पूछेंगे, ठीक है? आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो क्या, वो सब कुछ पूछेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे आप जनरल, अगर आपने वहाँ पहले जनरल किया होगा तो आप जनरल EWS कर देना, ठीक है ना? अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट उस समय नहीं था, आपने JEE मेंस का फॉर्म भरते समय बस जनरल के थ्रू फॉर्म भरा था, तो आप OBC कर सकते हो, ठीक है ना? तो अभी लाइव जो है MMUT का फॉर्म भरा जा रहा है, आप वहाँ पे जाके चेंज कर लो। UPSEE या फिर UPSET कह लें, इसका अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं आया है काउंसलिंग का, तो यहाँ पे इन सब बातों को आप केयर कर सकते हो। बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा गाइस, बहुत बड़ा, इन द सेंस बहुत बड़ा एडवांटेज को क्या कहते हैं आप, देखिए CRL रैंक पे होगी काउंसलिंग। CRL रैंक समझ रहे हैं आप? अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका डाउट आएगा कि भैया मैंने वहाँ कैटेगरी डाली नहीं, तो मेरा तो EWS रैंक बना नहीं, मेरा तो वहाँ पे बस जनरल CRL रैंक बन रहा है। तो एक बात बता दो, जो आपका CRL रैंक मान के चलिए 1.5 लाख बन रहा है, ठीक है, 1.5 लाख CRL रैंक बन रही है आपकी, तो आप 1.5 लाख CRL रैंक को से पार्टिसिपेट करोगे तब भी आपको यहाँ पे OBC का कोटा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि एक नॉर्मल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे, एक जनरल कैंडिडेट, एंड आपके साथ आप जनरल कैंडिडेट को जो, और एक आप OBC कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक SC वाला कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है, सबका CRL रैंक के थ्रू काउंसलिंग होनी है, ठीक है? तो जो जनरल कैंडिडेट है उसको मान के चलिए, जो किसी भी कॉलेज, मान के चलिए आप IIT लखनऊ ही मान लेते हैं, IIT लखनऊ की जो CAC है वो 30,000 पे मिल रही है, ठीक है, लेट से, तो जो OBC वाला बच्चा है उसको 55,000 पे मिल जाएगी, और जो SC वाला है उसको 60,000 पे मिल जाएगी। बट ये तो सारे CRL रैंक्स है ना, ये तो सारे CRL रैंक्स हैं, लेकिन आपको तो एडवांटेज मिल गया ना अपने कोटा का, ये SC वाला 1,60,000 पे मिल जा रही है, ठीक है, 2,60,000 आप कुछ भी कह लो, तो आपको तो कोटा का एडवांटेज तो मिल ही रहा है यहाँ पे, तो आप बिल्कुल अपने कोटा का एडवांटेज ले सकते हो, काउंसलिंग के अंडर चेंजेस कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा गाइस आप समझ सकते हो कि बेनिफिशियल होगा, आपकी रैंक कहीं से कहीं चली जाएगी, ठीक है, आपके जो चांसेस मिलने के रहेंगे वो बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चों का डाउट है कि वो उन्होंने कुछ नहीं भरा है, आप नो डाउट एट ऑल,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ भर सकते हो। हाँ, आपके पास सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट हैं, आप देख लो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट सारे अवेलेबल हैं, जरूरी नहीं है इस फॉर्मेट में होने चाहिए, आपके किसी भी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो आप बनवा लो, आप उसे रजिस्टर कर सकते हो। ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लो, आप कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं बना हुआ है, आप उस कैटेगरी में लाइक करते हो तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा, और इस वीडियो को जिन्होंने भी देखा होगा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ये रहा होगा। थैंक यू गाइज, हमने अपने कमेंट सेक्शन को टर्न ऑफ कर रखा है ड्यू टू बहुत सारे रीजंस की वजह से, ठीक है ना। पहला रीज़न यही है कि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर पाएँ, ठीक है। एंड मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत गलत गाइडेंस दे देते हैं, बहुत गलत रिप्लाई कर देते हैं आपके क्वेश्चंस का, और आप उस चीज़ को अगर फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो हमने उसको हटा ही दिया। दूसरे वो मैनेजमेंट कोटा वाले लोग जो उनको भड़काते रहते हैं कि आपको कॉलेज नहीं मिलेंगे, तो इन सब चीज़ों से हमने इसको कमेंट सेक्शन को फिलहाल के लिए बंद रखा है। अपार्ट फ्रॉम डैट गाइज, अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस, आप हमारी पर्सनल हेल्प ले सकते हो। वी आर प्रोवाइडिंग पर्सनल गाइडेंस एट वेरी मिनिमल कॉस्ट थ्रू आउट द काउंसलिंग। हम पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। आप बोलोगे कि भैया आप फर्स्ट फर्स्ट राउंड में हेल्प करोगे क्या, सेकेंड राउंड में नहीं करोगे, थर्ड में नहीं करोगे, या स्पॉट में नहीं करोगे क्या, हम कंप्लीट हेल्प करते हैं ड्यूरिंग योर कॉलेज अलॉटमेंट, जब तक आपका कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता। बहुत सारी काउंसलिंग सर्विसेज हम लोग देते हैं, जोसा की, आईपीयू की, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ की, ठीक है ना। स्पेशली यूपीसीटी की काउंसलिंग, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है अपने आप में। ये सारे सर्विसेज हम लोग एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस प्रोवाइड करते हैं। यू कैन परचेज इट बाई व्हाट्सएप अस ऑन दिस अबव व्हाट्सएप नंबर जो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।